तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन चैनल, यू आर वॉचिंग अलकलम एजुकेशन चैनल। हम आए हैं फिर आपने बाकी idioms के साथ, आपके सारे idioms हो गए थे, अब चल रहा है इनका तीसरा पार्ट, साथ साथ याद करना शुरू कर दें। चले ज़्यादा टाइम ज़्यादा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। ये जी आज हमारा है 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। 61 में पहला idioms आपके पास है अ स्नेक इन द ग्रास, यानी छुपा दुश्मन। ठीक है, 62 पे आपके पास है अ कैट एंड डॉग लाइफ, यानी लड़ाई झगड़े की जिंदगी। ठीक, उसके बाद है 63 मेरे पास है अ कैट्स पा। कैट्स पा का मतलब है आला कार के तौर पर इस्तेमाल करना, ठीक है, यानी किसी बंदे को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। 64 पे आपके पास है अ कुक एंड बुल स्टोरी, अ कुक एंड बुल स्टोरी झूठी कहानी। ठीक है, 65 पे आपके पास है अ डेड लेटर डे, अ डेड लेटर डे मतलब ख़त्म शुदा कानून। ख़त्मशुदा कानून का मतलब है पहले राज था लेकिन अब चलता नहीं, जैसे कि सीती की रस्म आपको पता है जिसमें जब कोई शोहर मर जाता था तो उसके साथ ही बीवी को भी दफना दिया जाता जिंदा। 66 पे आपको पास है अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त। ठीक है, 67 पे आपके पास है अ मैन ऑफ पार्ट्स, यानी गैर मामूली आदमी। अब अच्छी तरह से आपको दोबारा रिपीट करवाते हैं, अ स्नेक इन द ग्रास, अ कैट एंड डॉग लाइफ, अ कैट पार्क, अ कुक एंड बल स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद है अ डेड लेटर डे है, और उसके बाद है अ फेयर वेदर फ्रेंड है, और उसके बाद है अ मैन ऑफ पार्ट्स है। ठीक है, ये आपके पास कितने होंगे, 67। चलो जी 68 की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से आपके काम की स्पीड बढ़ाते हैं ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी करें। ये जी 68 में मेरे पास है एन ओपन हार्ट, एन ओपन सीक्रेट, एन ओपन सीक्रेट। ठीक है, यानी खुला राज। उसके बाद है 69 में मेरे पास है अ वुल्फ इन शिप क्लोथिंग, इसका मतलब होता है चलाक इंसान। ठीक है, उसके बाद आ जाए 70 पे एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है कुछ फासले पर। 71 पे मेरे पास है अ वाइट एलिफेंट, ये सारे जो करवाए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके, वाइट एलिफेंट बेकार। असल में idioms जो है ना लात तदात हैं, लेकिन हम कोशिश वही करते हैं वो करवाई जाए जो स्टूडेंट ईजी इसको कर ले। और मैंने आपको बताया था जब आपके idioms ख़त्म होंगे, बताया था 250 या ऊपर थोड़े 260 ही होंगे, उसमें आपको ट्रिक बताएंगे कि अगर कोई जुमला आज आपको ना आए तो उसको आपने इसमें क्या लिखना है। 72 बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ये पूरा एक बड़ा फिक्र है। ठीक है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है ज़्यादा काम की वजह से थक जान। ठीक, उसके बाद है 73 पे मेरे पास आता है एक मिनट, 67 करवाए थे, 68 69 70 71 72, और 73 पे मेरे पास आता है कोई रह तो नहीं गया आपका, ब्रेक द न्यूज़। ठीक है, ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है बुरी खबर सुनाना। ठीक है, 73 में आपके पास है बुरी खबर सुनाना। 74 पे मेरे पास है ब्रेड एंड बटर, यानी रोज़ी। अब अच्छी तरह से भी देख लें, ये देखिए ओपन सीक्रेट खुला राज, अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग चलाक इंसान, उसके बाद है एट आर्म्स लेंथ कुछ फासले पर, उसके बाद है अ वाइट एलिफेंट बेकार, उसके बाद आता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स ज़्यादा काम की वजह से थक जाना, उसके बाद 73 पे है ब्रेक द न्यूज़ बुरी खबर सुनाना, और हमारे पास 74 पे है ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है रोज़ी। ठीक है, 74 क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, साथ साथ तैयारी करना शुरू करते हैं। 75 पे मेरे पास आता है बर्न
burn the one's finger, ठीक है, यानी नुकसान उठाना, ठीक। अब मेरे पास आता है 76 पे, 76 पे मेरे पास आता है by hook और by crook। by hook या by crook का मतलब होता है जायज नाजायज तरीके से, यानी हर वो तरीका आपने किसी चीज़ को हासिल करना तो आप उसमें कोई पुटे तरीके इस्तेमाल करेंगे। 77 बैग एंड बैगेज, ये वाला फिक्रा बड़ा बार बार आता होता है idioms। बैगेज का मतलब होता है साजो सामान, ठीक है। उसके बाद है 78 में आपके पास है बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की फजूल बातें, ठीक। उसके बाद मेरे पास 79 में मेरे पास क्या आ रहा है, 77, 78, 79 में आपके पास है बाई लीव्स एंड बॉन्ड्स। ये फिक्र आपने सुना ही होगा कि दिन दुगनी रात चुगनी, ठीक है। ये 75, 76, 77, 78, 79। अब आता है 80 की तरफ। 80 में मेरे पास आता है ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू, ठीक है, कामयाबी। ब्रेक थ्रू का मतलब है कामयाबी। फिर एक दफ़ा से आपको रिपीट करवा देते हैं, देख लें जी। बर्न द वन स्पीकर का मतलब है नुकसान उठाना। उसके बाद है बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब है जायज़ व नाजायज़ तरीके से। उसके बाद है बैग एंड बैगेज, आपके पास है साजो सामान, ठीक है। और बीट अबाउट द बुश, आपके पास है फजूल बातें इधर उधर की, ठीक है। और बाई लीव्स एंड द बाउंड्स, आपके पास है दिन चुगनी, दिन दुगनी रात चुगनी। और आपके पास जो है 80 पर ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कामयाबी। तो हम 81 की तरफ आ गए हैं, साथ साथ आपको बता देते हैं। ये देखिए जी, ब्रिंग टू बुक सजा देना, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फीदर हम ख्याल, बर्निंग क्वेश्चन अहम मामला, ब्रेक का आइस खामोशी तोड़ना, ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड बेरहमी, ठीक है। उसके बाद है कि बास को व्यूरी पढ़ते हैं, वेरी पढ़ते हैं, दै हैच चिट, इसका मतलब होता है दुश्मनी ख़त्म करना। और बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब हम आपको बता देते हैं, ये होता है सिसरी निगाह, मतलब एक ही जो है नज़र पे ना सारी चीज़ें देख लेना। ये बताते चले हम आपको, एक मिनट, तायराना, तायराना निगाह का मतलब होता है जैसे कि परिंदे जो हैं ऊपर उड़ते हैं और एक ही नज़र से जो है ना चीज़ों का जायजा लेते हैं, उसके लिए जो है क्या इस्तेमाल होता है, एलम इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास 87 हो गए। अब 88 पे चलते हैं। हाँ जी, 88 में मेरे पास है बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी, ठीक है। उसके बाद है 89 में मेरे पास है ब्लू ब्लड, ठीक है, ब्लू ब्लड और बैड ब्लड, ये होता है शरीफ खानदान, ठीक है। उसके बाद 90 पे आ जाए, 90 में मेरे पास आता है बाई फील्ड्स एंड स्टार्स, बाई फील्ड एंड स्टार्स बेकायदगी से, देख लें आप, बैड ब्लड दुश्मनी, ब्लू ब्लड शरीफ खानदान, बाई फील्ड्स एंड स्टार्स बेकायदगी से। तो ये टोटल आपके कितने idioms हो गए हैं, 90 हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ तैयार करना शुरू कर दिया, अभी और idioms आ रहे हैं, जब आखिरी होगा वो आपको साथ ही बता देंगे। तो ऐसे आपको मिल गए idioms भी, और जब भी idioms खत्म हो जाएंगे तो पैराग्राफ ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये काम आपको याद करने वाला है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अकाउंटिंग के जो है चैप्टर्स आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने में ना आपका सारा कवर हो जाए। सिर्फ आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।